देखो भाई फूल कुछ लगता है घड़ी भी गई जो विजय ने गिफ्ट की थी। गाइस निकल रहे हैं सर्फिंग के लिए, पहला दिन अपना, साथ में नवीन भाई और फ्रेंड्स बन गए अपने, जेडी भाई भी हैं आगे। भाई अपना सर्फ बोर्ड ऐसे उठाना पड़ता है क्योंकि मेरे साइड हाथ में ये आ नहीं पा रहा है। ये है अपन, this front part is called as nose and middle part is called as deck and end part of the board is called as tail and this side parts are called as rails and main part, okay, these are fins, okay, so without fin you can't swim. Yes. This is the bottom part. Lie down on the board, okay, chest first, next leg, yes, okay. Move a bit back on the board. Yeah, perfect. Keep your feet together now, feet together. Yes, perfect. Now start pattern, long strokes, look forward, chest up, chin up, long strokes. Hold your hands like a scoop. Okay, now slowly pop up. Take your hands underneath the chest. Arch and pop up. Up. Okay, okay. Stay there. I just need to lead it like this. Okay. भाई ब्रीफिंग हो गया है, अब प्रैक्टिकल्स की बारी है। क्यों भाई पानी के ऊपर देखते हैं। अब गिर के मुंह फोड़ना है। हमें तो कल भी एक इंजरी हुआ है फुटबॉल खेलते हुए। यहाँ पे क्या? हाँ यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे हम। ये सर्फ बोर्ड लेकर जाने में जो फील आ रहा है ना भाई, क्या बताऊं। मतलब जो आज तक टीवी पे देखा करते थे खुद सीखने जा रहे हैं तो एक नंबर फील है भाई। तो जी आज का मेन एम है पानी के ऊपर सर्फ बोर्ड में खड़ा होने का। तो इसमें प्रथम जो हमारे इंस्ट्रक्टर है हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कब पैडल करना है और फिर खड़े हो जाना है। तो आज का मंत्र है पैडल 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 पापा। फोटो सेशन जेडी भाई एकदम खतरनाक। तो आज पहला दिन था, मज़ा आया काफ़ी, कुछ कुछ वेव्स अपन ने कैच भी करी और मेरे पाँव में थोड़ा इंजरी है उसकी वजह से यार, मुझे लग रहा है थोड़ा ड्रॉबैक हो रहा है उस वजह से। यार फुटबॉल में लग गई यार, क्या कर सकते हैं भाई। लंगड़ा के चल रहा हूँ हल्का सा इस वाले पाँव में, पर ठीक है अभी सीखना है तो सीखना तो है ब्रो, मैं रेस्ट करने वाला चांस नहीं ले सकता। तो बस यही है, मजे आ रहे हैं, सही वाइब है यहाँ का। हाय या श्योर श्योर ए दिस रूम्स लड़ी हेल्प।
तो जी सर्फ क्लब पहुंच के सब लोग अपनी अपनी बोट को अनलोड करते हैं, सर्फ बोट को स्नान कराते हैं, फिर सर्फ बोट जहाँ से उठाई वहाँ को लगा देते हैं। फिर इसके बाद जनता खुद स्नान करती है और फिर मस्त दबा के खाती है। फिर उसके बाद क्या है, कुछ काम तो है नहीं, तो चिल करो या सो जाओ। तो वैसे अभी सो के उठाऊँ, मस्त 3 घंटे का नींद लिया मैंने, कुछ 6 बजा है अभी, बस चाय पी जा रही है। और काफ़ी लोग पैकेज के बारे में इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, तो मैं भी बता देता हूँ। तो मैंने 3 दिन का पैकेज लिया है यहाँ पे, 3 दिन का बिगनर्स लेसन्स करके होता है 3 दिन का, तो वो होता है 6,600 रुपये का। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आएगा वो आपको गाइड रहेगा, एक आपके साथ सिखाएगा, आपको सर्व बोर्ड मिलेगा, तो ये सब सीन रहेगा, ठीक है। अब रहने की बात आती है, तो रहने के इसमें काफ़ी ऑप्शन हैं, आप अपना खुद का पर्सनल रूम चाहते हैं, 2 लोग आ रहे हैं तो पर्सनल रूम ले लीजिए। जैसे हम जैसे सिंगल आया हूँ मैं, तो हमारे लिए बेस्ट शेयरिंग रूम ले लेना। शेयरिंग रूम में 3 लोग रहते हैं तो एक बेड मिल जाएगा आपको, आपने रूम तो देख ही लिया होगा, तो वैसा सीन है। तो उसका कुछ 1700 रुपये है, जिसके अंदर मील सारे इंक्लूडेड हैं। सही वाइब है प्लेस का। बस मैं आज आराम कर रहा हूँ क्योंकि पाँव में लगी हुई भी, नहीं तो शाम का टाइम कयाकिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मैं सनसेट है, बीच पे भी जा सकते हैं, बट मैं आज बीच पे नहीं गया हूँ। वाइब देख रहे हो वाइब। All blue. Good morning जी। Day 2, बिस्मिल का संदेश है। आज oceans में current काफी strong है। ये अच्छी conditions नहीं है हम जैसे beginner surfers के लिए। फिर भी हम beach जा रहे हैं ताकि जो थोड़ा possible है वो सीख ले। कुछ देर सर्फिंग करने के बाद ये समझ आ गया कि भाई आज नहीं हो पाएगा। वेव्स काफी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी हम लगे रहे, काफी बार मुंह की भी खाई। कल भी इतना ही लग गया? नहीं, कल काफी सही था, माइंड था, कल परसों सही था। कल तो बहुत मजा आया, कल तो खड़े हो पाए। देखो बाकी कुछ नहीं तो किसी का जी तो चला ही लो। मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको, ये देखो स्लाइड कर लो। देखो भाई आज सर्फिंग हो नहीं पा रहा है, सोचा ड्रोन उड़ा देते हैं। व्हाट अ आईडिया, what an idea। तो भाई आज सर्फिंग नहीं हुई आफ्टरनून में भी, तो सोचा बैठे हुए थे ऐसे ही बकचोदी कर रहे थे, सोचा बीच पे चलते हैं, बीच पे बैठ के बकचोदी करेंगे, है कि नहीं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो करते हैं मदिरा पान लेके उल्मों का नाम। हाय हाय, खतरनाक दिख रहा है, ये लग रहा है अजीब लगेगा ना ये। तो ये आया है भाई रेशमी कबाब, खतरनाक फ्रेंच फ्राइज अपना हमेशा की तरह उल्मों। हेलो जी, आज अपने को पकड़ना है व्हाइट वेव्स। ये काम अपन ने Day 1 पे भी किया था, बट आज ये काम पूरा अपने को करना है। आज इंस्ट्रक्टर पीछे से सर्व बोर्ड को पुश नहीं करेगा। तो व्हाइट वेव बोले तो जब वेव्स ब्रेक होके व्हाइट कलर की दिखने लगती है, बस इतना सा है। काफी बार मुझे गिरता हुआ देख के नवीन भाई पास आए और मस्त ज्ञान दिए।
दे, सांस ले, ऐसे भाग रहे जाते ही आप हो गए भाई। मैं भी गया था 10 मिनट अंदर बैठा था भाई पूरे प्यार। एक्चुअली मैं हर वेव पकड़ने का ट्राई कर रहा था, उस चक्कर में बहुत जल्दबाजी हो रही थी और मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो इससे अपन ने सीखा कि कुछ वेव छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो आराम से सांस लो, वेव को जज करो और राइड करो। और भाई सर्फिंग करने आओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने शॉर्ट्स का नाड़ा अच्छे से टाइट बांध लेना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वेव भाई सब खोल देती है। देखो भाई खून लग गया भाई आज, कुछ लगता है घड़ी भी गई जो विजय ने गिफ्ट की थी। अब आपको दिखाते हैं एक स्वैग वाला कैचिंग द वेव। हेलो जी, और आज का है मैं अपना ग्रीन वेव्स पकड़ना। ग्रीन वेव्स बोले तो वो वेव्स जो वाइट नहीं बनी है। देखो यार, गिरना तो रोज की बात है, बट वाइड वेव से अपन खड़े भी हो रहे थे, बट ग्रीन वेव्स पे तो हार्डली एक आध बार सक्सेस मिला। साथ ही अपने लेफ्ट हैंड में मसल पेन भी हो रहा था। तो आज अपन ने करीब 2 घंटे सर्फिंग ट्राई करने के बाद ये डिसाइड किया कि अपन करते हैं गिव अप आज। गिव अप पे दुखी मत हो यार, हर बार एंडिंग जो है वो धमाकेदार नहीं हो सकती। चलो ऑटो वाला भी आ गया, निकलते हैं भाई। नवीन भाई मुंबई आओ तो बताओ। खत्म होती है। बहुत सही लोगों से मुलाकात हुई इस सर्फिंग के दौरान। ये बहुत स्पेशल ट्रिप है मेरे लाइफ की, फर्स्ट सोलो। इन सब जगहों पे डिजिटल डिस्प्ले तो नहीं होता है, तो ये नंबर जो लगे हुए हैं ना, नंबर के सामने कोई डब्बा ढूंढना पड़ेगा, वो कहीं लिखा रहता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और विजया साथ में आपको मिलेंगे नई डेस्टिनेशन पे।